अरे भैया रुको रुको, अभी कहाँ बैठ रहे हो भैया, चाबी तो देख लो इसकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक हैबिट। तो यार मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाटा टियागो का रिव्यू। और ये देखिए यार कितनी प्यारी लग रही है। इस कार को हो चुके हैं केवल और केवल 2 दिन। और अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं कि टाटा टियागो लेनी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है XT वेरियंट ICNG का, और मैं आपको इसमें बताऊँगा कि क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं अगर फ्रंट की बात करूं, पहले आपको फ्रंट दिखा देता हूं यार कैसी लग रही है। तो यार कमेंट सेक्शन में बताइएगा लग कैसी रही है ये। तो यार अगर फ्रंट की बात करूं तो देखो, आपको ने यार बहुत वीडियोस देखे होंगे, सब पता है आपको कि ये क्या है क्या नहीं है। और मेन मेन तो ये है इसमें कि यार इसमें फॉग लैम्प वगैरह और DRL वगैरह नहीं मिलता। बाकी तो भाई लग तो एकदम कमाल रही है। वैसे इसमें बेसिक बेसिक सारी चीज़ें मिल जाती है। मैं आपको 360 पे दिखा देता हूँ। जैसे ये इंडिकेटर फेंडर पर नहीं है, ये मिरर में, तो बेसिक बेसिक तो सब मिल जाता है इस गाड़ी में। और जैसे आप व्हील भी देख रहे होंगे, अगर आप नॉर्मल इससे नीचे वेरिएंट लेते हैं तो आपको बेसिक जैसे व्हील जो आपने देखे होंगे वही मिलेंगे। और ये देखिए भाई, ये इसका बैक है एज यूजुअल। यार पुराना भी ऐसा ही था, ज़्यादा फ़र्क नहीं है कुछ। और इसके ये है इसकी ये साइड वाली व्यू। तो भाई इस टाइप से कुछ ये कार है। अब आपको इसकी रियर व्यू दिखा देता हूँ और फिर चलेंगे फ्रंट में। तो भाई इस टाइप से कुछ है इसका पीछे से। ये देखिए भैया नई नवेली, अभी तो सीट कवर भी नहीं आए भाई इसके। ये भाई, और ये इसके पीछे से कुछ लुक आती है। तो ये अगर मैं देखूँ तो यार स्पेस भी काफ़ी ठीक है पीछे का भी, और सीट का कंफर्ट तो यार है ही लाजवाब टाटा का। सस्पेंशन एक नंबर। और भैया जो सबसे ज़्यादा जो चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा ना, वो लगा था यार ये देखो, ये लॉक अनलॉक का बटन यहाँ दिया हुआ है। पहले यार यहाँ आता था बड़ा अजीब लगता था, अब ये एकदम बढ़िया कर दिया टाटा ने यार। अब चलते हैं भाई आगे। अरे भैया रुको रुको, अभी कहाँ बैठ रहे हो भैया, चाबी तो देख लो इसकी। तो भैया इस टाइप से इसकी चाबी आती है। और अगर मैं बात करूँ XM वेरिएंट की, तो यार उसमें नॉर्मल की आती है। जैसे इसके साथ जो चाबी आती है वो एकदम नॉर्मल आती है, ये तो फ्लिप की है। तो ये इस वेरिएंट से स्टार्ट होती है XT से, बाकी XM में तो यार नॉर्मल आएगी, मज़ा भी नहीं आएगा उसको। तो ये भाई अब चलते हैं इसके अंदर। तो यार ये देखिए, इसमें यार एक चीज़ और अच्छी दी हुई है, हाइट एडजस्टमेंट का फीचर है इसमें। और हम बैठ गए भाई इसमें, थोड़ा सा भाई सीट को पीछे कर लेता हूँ जिससे आपको पूरा व्यू दिखे। तो ये देखिए भैया, ये है कुछ इसका व्यू। अब एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ। हाँ एक चीज़ भी अच्छी है इसमें, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए भैया, 2 दिन में 306 चला दी। तो भाई इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। यार ये भी आप बहुत बार देख चुके होंगे। ये लो भैया बज गया। तो भाई इसमें देखिए, आपको स्क्रीन तो नहीं मिलेगी पूरी LCD टाइप वाला, इसमें तो आपको नॉर्मल वाला मिल जाएगा। ये भी यार टच है, ये बटन जो है सारे टच है। XM में अगर आप आओगे तो उसमें टच वाले बटन नहीं आते, उसमें वैसे आते हैं फिजिकल बटन जो होते हैं। और ये आपका AC का वो हो गया। तो यार नॉर्मल नॉर्मल सी ये अपनी कार है। ये इसका क्या क्लब बॉक्स, इसमें अभी तक कुछ नहीं हमने डाला। यार जल्द ही जाएंगे, इसके सीट कवर वगैरह चढ़वाएंगे भाई। तो भाई ये है कुछ इसका व्यू। तो बताइएगा अगर आपको ये कार कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। तब और बाद में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।